मुझे माफ कर दो, वो नेवला मैं ही लाया था घर में। वो मैंने तुम्हें सांप बनते देख लिया ना, इसलिए मैं डर गया था। अरे अप्पू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम सांपों की तो छवि ऐसी है, इंसानों को लगता है कि हमारा चाल चलन ही खराब है। चलो चाल का तो माना कि हम आड़ा टेढ़ा चलते हैं, लेकिन चलन भी सबको खराब लगता है। और तो और, हम जमाई लेने के लिए भी मुंह खोले ना तो इंसानों को लगता है कि हम डसने आ रहे हैं। जमाई? ओ, पर अब मैं समझ गया कि तुम डैम गुड वाली सांप हो। डैम गुड? बहुत अच्छी, जिसकी चाल भी अच्छी है और चलन भी। अब मैं दादी को भी बता दूंगा कि तुम गुड वाली सांप हो, ताकि वो तुम्हें घर से ना निकाले। तुम चिंता मत करो। वो तो वैसे भी नहीं निकालेंगी, क्योंकि उन्हें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। इच्छा, मैंने दादी को सुबह सब कुछ सच बता दिया था तुम्हारे बारे में। क्या बताया? मैंने दादी को बता दिया था कि तुम नागिन हो। क्या बताया था छोरा? दादी, अरे जाता काहे, रुक तो। दादी, अच्छा तुम, यानी कि तुम्हें मुझे दादी बनके मिलने आई थी? हाँ, मैं तो किसी का भी रूप ले सकती हूँ, क्योंकि मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। गलत, बिल्कुल गलत। तुम इच्छाधारी नागिन नहीं, इच्छा प्यारी नागिन हो। अच्छा, अब तो तुम मेरा राज किसी को नहीं बताओगे ना? लेकिन एक शर्त पे। क्या? जब भी आज से मम्मी मेरे को दूध देगी तो दूध तुम्हें पीना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए तो मैं हमेशा तैयार होती हूँ। लेकिन अगर तुम दूध नहीं पियोगे ना तो पहलवान नहीं बन पाओगे। ओ, तो एक काम करेंगे, आधा आधा पियेंगे, 50-50। अरे मार नहीं रहा हूँ इच्छा, इसे कहते हैं हाई फाइव, हाई फाइव, हाई फाइव। तुम इंसानों के भी बड़े अजीब चोचले होते हैं। वो तो होते ही है। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम्हारा घर किधर है? नागिस्तान में। नागिस्तान? ये नागिस्तान पाकिस्तान के बाजू में आता है अफगानिस्तान के? तुम नहीं समझोगे, हमारी दुनिया ना बहुत अलग है। अच्छा तुम्हारे घर में कौन कौन है? क्या बात है, आज बड़ी पूछताछ कर रहा है। अब हम दोनों दोस्त बने तो एक दूसरे के बारे में जानना तो बनता है ना। बिल्कुल, वहाँ मेरी माँ है, पिताजी है और बहुत सारे दोस्त है नागिस्तान में, तुम्हारे जैसे शैतान। मेरी माँ बहुत अच्छी है और मुझसे बहुत प्यार भी करती है। देखा, अब इंसानी बस्ती में तू भी प्रसिद्ध हो जाएगी। इच्छा तेरे बारे में बता रही थी। हाँ, अब जिसके बारे में कुछ बताने लायक होता है उसी के बारे में बताया जाता है ना। अब वो बताएगी तो तुम्हारे बारे में क्या बताएगी? कि उसके पिताजी पूरा दिन उसकी माँ को परेशान करते रहते हैं, काम के ना काज के, दुश्मन समाज के। अरे सिपली, क्या दुश्मन, मेरे तो कुछ बस मंत्र गड़बड़ हो जाते हैं। बाकी तो मुझसे बढ़िया नाग नहीं यहाँ। अच्छा शेशु, मेरा मतलब मुखिया जी को छोड़कर। अच्छा, केवल इनको छोड़कर? मेरा मतलब मुझे कोई प्रयोग करना, मैं आ रहा हूँ, चलिए। शेशु नहीं, नहीं, नहीं शेशु। माता पिता, अरे मैंने तो इस लड़की की घनी चिंता हो रही है। यारदास जाने के बाद ये तो अपने माँ बाप को याद करके रो भी ना सकती। मैं तो कहती हूँ अखबार में इश्तेहार छिपवा दो कि इस छोरी के माता पिता को ढूंढ के लेके आने वाले को इनाम दिया जाए। ना, सही कह रही हो। पच्चीस हजार का इनाम रखेंगे। अरे पिताजी, पिताजी, मैं क्या कहता हूँ, आप क्यों नहीं इस लड़की को अपना लेते? एक तो आपको बेटी मिल जाएगी, ऊपर से घर बैठे 25,000 रुपए। वैसे भाभी का आइडिया सही है, अखबार में इश्तेहार देते ना गुमशुदा का। अरे नाना, ये शादीशुदा ना है, और शादीशुदा हो भी तो हमें क्या पता। अरे इसका अखबार में गुमशुदा का इश्तेहार दे दो, कम से कम माँ बाप तो ढूंढ लेंगे। भाई सबकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ
हम आ गए अपनी प्यारी छोरी को लेने। आप लोग कौन है? मेरी बेटी रिया है। हाँ, ये लोग कौन है? मैं इन लोगों को नहीं जानती हूँ। ए छोरी, तुझे कैसे पता कि थारे माँ बाप ना है? नहीं, इसने कहा ये नहीं पहचानती, ये इसके माता पिता है ना इच्छा जी? मेरा यही मतलब था। छोरी, हम कब से ढूंढ रहे हैं तुझे, कब से? दादी, इनकी तो याददाश्त खुद गई भी है, इन्हें खुद नहीं पता कि इच्छा को कब से ढूंढ रहे हैं। आप लोग तो कब से ढूंढ रहे होगे ना इसे? रिया, बेटा मुझे पता है तेरी याददाश्त चली गई है, पर तू चिंता नहीं कर, घर चल, वहां तुझे सब याद आ जाएगा। बहन जी, इसको भी साथ लेके जाओ, इसकी भी याददाश्त फेल है, लेके जाओ। क्यों? अजी, मैं कह रहा हूँ इसको घर ले जाओ, वहां जाके सब याद आ जाएगा इसे। भाई साहब, मैं अभी कब से यही बोल रहा हूँ, यो हमारी छोरी है, हम इसे लेने आए हैं। धन्यवाद आपका। चल छोरी। अरे ना 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 जी, ना हाथ जोड़ने की जरूरत ना है। अरे ऐसे आइडिया तो मैं हजार देता रहूं गांव में। कोई बात नहीं भाई साहब, थोड़ा ऊंचा सुनता है। ओहो, अच्छा जी, चलो चलो हम तो चलते हैं। रुक जाओ। आपके पास क्या सबूत है कि आपकी छोरी है? ये क्या कह रही हैं आप? आप एक मां की ममता पे उंगली उठा रही हैं। बहन जी, शुक्र बनाओ कि मां ने उंगली उठाई, हाथ नहीं उठाया है। चुप कर। देखो जी, छोरी की याददाश्त चली गई है, आप तो इसे ले जाओगे, और कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन है? माना ये आपकी बेटी है, लेकिन इसका कोई सबूत तो देना पड़ेगा ना, कोई बातचीत, कोई व्यवहार, कोई निशानी। हाँ है, रिया की पीठ के पीछे दाईं तरफ कंधे के नीचे एक तिल है। ममता देख तो। हाँ जी, तिल तो है। अच्छा, इतनी सी बात थी, ले जाओ छोरी को। आज फंसी है इच्छा मेरी जाल में। हाँ, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं। हाँ, मैं इच्छाधारी नागिन हूं। तुम्हें समझ में नहीं आता? हाँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तेरा बहुत कुछ बना सकती हूँ, समझा? सोचो, अगर तुम्हें नागमणि मिल जाए तो तुम्हें बस एक नागिन को वश में करना होगा, बस। लेकिन ध्यान रहे, वो बहुत चालाक है, लेकिन उसे पकड़ने का रास्ता मैं तुम्हें दिखाऊंगी। चल छोरी। हाँ चल छोरी। एक मिनट अंकल, बड़ी दादी, हम इच्छा को एक दिन और नहीं रख सकते, प्लीज। सही कह रहा है अप्पू, आप एक दिन रुक जाइए ना। ना जी ना, हमने घनी दूर जाना है, टाइम को नहीं मारे दोरे। चल छोरी, चल चल। ओ जी, जाना तो सबको एक दिन है जी, तो क्यों ना एक दिन रुक के चले जाओ। हाँ रह जाओ ना। लेकिन जी हम तो बस, जब सब कह रहे हैं तो एक दिन रुक जाओ। प्रबल,
इन्हें दूसरे वाले मेहमान खाने में ठहरा दो। अरे दादी, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि इन्हें थाने ले जाना पड़े? अरे इन्हें तो दूसरे मेहमान खाने में ले जाना चाहिए ना। अरे बावले, मैं भी तो यही कह रही हूँ। सबल, जाके इन्हें मेहमान खाने में ठहरा दे। हाँ दादी। चलो जी, जाइए जी, जाइए, आराम करिए। मैं नाच नहीं रहा था, अपनी शक्तियों को इकट्ठा कर रहा हूं। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग इच्छा को अपनी बेटी क्यों बता रहे हैं। मुखिया जी, इंसान तब झूठ बोलता है जब उसका कोई फायदा होना हो। लेकिन इच्छा को अपनी बेटी बताकर उनका क्या फायदा होगा? उन्हें जब अपने नाक पाश में लेंगे ना, तब पूछेंगे उनसे। चलो। जय नागोमी देव। वैसे आप करते क्या हो जी? जी, हमारे खेत हैं और जमीनें हैं। अच्छा? हाँ, और इतनी जमीनें हैं कि अगर सुबह गाड़ी लेकर देखने निकलेंगे ना, तो भी शाम तक देखने की बात है। हमारे पास भी जी एक ऐसी गाड़ी थी, खटारा। उछलती कम थी और रुकती ज्यादा थी। बेच दी जी। यो क्या है? यह तो जादूगरों के पास हो गए हैं। जादूगरों के पास नहीं, सपेरों के पास हो गए हैं। तो तुम्हारे पास क्या कर रही है? सपेरे हो तुम? बावड़े हो गए हैं। दुकानदार सारे बावड़े हो गए। मैंने उनसे मांगी थी सोयाबीन और उन्होंने थमा दिए सांप की भी। कोई नहीं जी, मिल गया होगा कोई भुलक्कड़ दुकानदार। वो सब छोड़िए, आपका सोयाबीन का कारोबार कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा। हमें घर पे बता देना चाहिए कि तुम्हारे असली माँ बाप नहीं है। देखो, इन सब से तुम्हें सिर्फ दादी ही बचा सकती है। और फिर मुझे उनसे कौन बचाएगा? उनसे बचने के लिए तो मुझे नहीं सच बताना पड़ेगा, और फिर सच बताकर तो मुझे वापस नागिस्तान जाना पड़ेगा। हाँ, एक काम करो, तुम तुम्हारे असली माता पिता यानी अंकल आंटी से मदद क्यों नहीं मांगती? हाँ, ये सही रहेगा, मैं अभी उनसे मदद मांगती हूँ। अरे क्या कर रही हो, फोन करो ना उन्हें। हमारे वहाँ फोन नहीं होता, फन होता है। इस सिचुएशन में तुम्हें फन सूझ रहा है? अरे फन, नाक का फन, जिससे हम संकेत बिचौलिया तक पहुंचाते हैं और फिर वो हमारे संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं, समझा? बिचौलिया? You mean mediator? वो है कहाँ? इधर। यहाँ तो कोई भी नहीं है। इधर। इंसानी रूप में नहीं आ सकते थे? अरे इंसानी रूप में गर्मी बहुत लगती है ना। इंसानी बस्ती में आयो तो घूमना पड़ेगा धूप में, कुछ दिन तो गुजार लो इंसानी रूप में। खत्म? नहीं, पानी खत्म, इसे तो होश आ रहा है। तुम जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें देखे कहीं फिर से बेहोश ना हो जाए वो। गया वो? हाँ। तुम्हारे माता पिता आएगी नहीं? आएंगे शायद, लेकिन थोड़ी देर में। उनसे तो प्लीज कह देना कि इंसानी रूप में ही आए। कौन आया? काफी खुश लग रही हो तुम? हाँ। तो अच्छा है, तुम्हारे माता पिता आ गए। जी, ज्यादा ही जल्दी आ गए। वैसे मुझे तुमसे कुछ कहना था। क्या? बहुत दिनों से कहने की सोच रहा हूँ, लेकिन मौका ही नहीं मिला। और अब तुम चली जाओगी तो फिर शायद कभी मौका मिले भी ना। तो फिर कह दीजिए ना। मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना था मेरी जान बचाने के लिए, सो थैंक यू।
अरे बस यही कहना था और कुछ नहीं कहना। और कुछ भी है वो दादी कह रही थी कि तुम्हारे साथ और तुम्हारे माता पिता के साथ एक फोटो लेने ताकि याद बनी रहे। हाँ चाचू इच्छा के साथ फोटो तो मैं भी खींचूंगा, पहले आप दोनों की खींच दो। नहीं फोन दीजिए साथ में लेंगे ना। अरे साथ में तो ले लेंगे, पहले आप दोनों की खींच लेता हूँ ना। अच्छा थोड़ा पास आओ ना। अरे चाचू आप भी थोड़ा पास आइए। स्माइल कीजिए स्माइल। परफेक्ट। फोटो देगा? अरे फोन मत गिरा ना। नहीं, नहीं, नहीं। क्या हुआ तुझे? बहुत खराब है ये, डिलीट कर दी। तो एक और ले लो ना। अरे नहीं नहीं सब लोग साथ में ही खींच लेंगे। अरे फोटो देगा गिरा मत फोन। चाचू चाचू अरे फोन तो दे वापस। अरे जाइए यहाँ से, बाद में दे दूंगा जाइए। क्या हुआ अब्बू तूने फोटो क्यों नहीं दिखाई? तूने पहले कभी फोटो खिंचवाई है? नहीं क्यों? नहीं खिंचवाई ना। ये देख सफोली। इच्छा के बाबू जल्दी अंदर चलिए। जल्दी का काम नेवलों का। मैं इच्छा की मदद यहीं से कर सकता हूँ। आखिर किस दिन काम आएगी? क्या मेरी सिद्धियाँ? नहीं आप अपनी सिद्धि का उपयोग नहीं करेंगे। आपकी सिद्धियाँ कभी सीधा काम नहीं करती। सीधा अंदर जाएंगे, झूठे माँ बाप को पकड़ कर उनसे बात करेंगे। अरे रुको पागल मत बोलो सिपली। हम अंदर जाएंगे तो उनको अपने बारे में क्या बताएंगे? इच्छा की मुसीबत बढ़ सकती है, हमें इच्छा की मदद यहीं से करनी होगी। मेरा विश्वास करो मेरी सिद्धि इस बार कोई गड़बड़ नहीं करेगी। बेटी जाने वाले को कौन रोक सकता है, मगर अब तक तू जा रही है ना तो वहां जाके अपनी याददाश्त का ख्याल जरूर रखना, क्योंकि याददाश्त भूलने से तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। और ना तू सांस लेना मत भूलना, ठीक है? बेटी अपना ख्याल रखना, अगर कभी कोई दिक्कत आए तो अपने इस खड़क अंकल को याद कर लिए, और बातें ठुकवानी हो तो अपनी इस चंचल आंटी को याद कर लिए। अगर याद आए तो ठीक है। चलो चलो फोटो भी तो खिंचवानी है। आ नहीं 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 हमें फोटो नहीं खिंचवानी। मेरा मतलब है कि आप लोग जाइए हम आते जी जी। अरे बेटा सब साथ चलते हैं ना। नहीं नहीं हम अंकल आंटी को वेट कर रहे हैं, उन्हें तो आने दीजिए। उन्होंने कहा है कि जब तक वो ना आए हमें नहीं जाना है। आप लोग जाइए जाइए आते हैं। ठीक ओम बर्नियम प्रकटम। अब देखना मैं अपनी बेटी को खुद की बेटी कहने वालों को कैसे इन बर्नियों में बंद करता हूं। ओम दुष्टम पापम हरनम मेंढकम कर्णम तर्पम तर्पम शीघ्रम प्रकटम। टर्र 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 टर्र। जल्दी बंद करो। देखा सिपली कैसे इन दुष्टों को मैंने अपने जाल में फंस दिया। चलो इच्छा को कहते हैं कि कैसी उसकी मुसीबत मेंढक बनकर डर रही है। अब ये इसे डरा नहीं पाएगी।
आपने इन दोनों को मेंढक बना के बर्नियों में बंद कर दिया। हाँ भाई, जैसी करनी वैसी बर्नी। लेकिन आप इन्हें बाद में छोड़ देना। छोड़ो इन्हें, बुरे काम का बुरा नतीजा। अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। ओ छोरी, फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।